लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हनुमान 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 हनुमान, यह हनुमान ही है जो अर्जुन के लिए रक्षा कवच बने हुए हैं। अन्यथा पितामह भीष्म के दिव्यास्त्रों को सहन करने की शक्ति और किसी में भी नहीं थी। और ना ही आज युद्ध का यह परिणाम होता कि पितामह भीष्म शरसैया पर पड़े हैं। कर्ण, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, तुम कुछ तो बोलो। मैं तुमसे क्या कहूं मित्र दुर्योधन, तुम्हें इस प्रकार आहत देखकर मेरा भी मनोबल टूटने लगता है। पितामह का इस प्रकार शरसैया पर गिरना निश्चित ही अशुभ है।
किंतु इसे तुम अपने पराजय मत समझो। मैं परशुराम शिष्य कर्ण तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे समक्ष अर्जुन पल भर भी नहीं टिक सकेगा, फिर चाहे वो कृष्ण से रक्षित हो या हनुमान से। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए मेरी इच्छा है कि पितामह भीष्म के पश्चात कौरव सेनापति का पद तुम संभालो। तुम मुझे इस बात का ज्ञान है मित्र कि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है और मैं तुम्हारी शिक्षा को अस्वीकार भी नहीं करना चाहता, किंतु मित्र मेरा एक परामर्श है। पितामह के पश्चात गुरुदेव द्रोणाचार्य को सेनापति का पद सुशोभित करना चाहिए। नहीं 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 मित्र, नहीं 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 नहीं। मैं भली भांति जानता हूँ कि गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को अपना प्रिय शिष्य समझते हैं, तो फिर मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकता हूँ, कैसे मार सकता हूँ। मैं गुरुदेव की सिद्धांत प्रियता को भली भांति जानता हूँ मित्र। अर्जुन कितना ही प्रिय क्यों ना हो, किंतु युद्ध क्षेत्र में कोई किसी का प्रिय नहीं होता। जो सामने होता है वो शत्रु होता है, मात्र शत्रु। और फिर तुम क्यों चिंतित होते हो? अब तो युद्ध क्षेत्र में जाने से मुझे भी कोई नहीं रोक सकता। अब तो युद्ध भूमि में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे पूर्ण विश्वास है मित्र कि विजय निश्चित हमारी होगी। रण क्षेत्र में मुझे ना तो अर्जुन का भय है, ना ही श्री कृष्ण का भय। किंतु अर्जुन के रथ पताका पर विराजमान हनुमान के प्रति मैं आशंकित हूं। वे जिस पक्ष में होंगे उसे हराना कठिन होगा, अति कठिन होगा। राधाश्री, इस समस्या का भी एक हल है। क्या हल है? अंगराज कर्ण, मैंने सुना है कि हनुमान तुम्हारे धर्म पिता सूर्य देव के शिष्य रह चुके हैं। हाँ, यह सत्य है। यदि यह सत्य है कर्ण, तो मित्र कर्ण, क्या तुम हनुमान को इस बात के लिए मना सकते हो कि वे अर्जुन का साथ छोड़ दें? यह संभव है। क्यों असंभव है? एक बार सूर्यदेव के परामर्श से हनुमान जी मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कौरवों का पक्ष त्याग कर पांडवों के पक्ष में युद्ध करूं। उस समय मैंने उनकी बात नहीं मानी। फिर अब किस मुंह से उनसे कहूं कि वे अर्जुन का साथ छोड़ दें? कर्ण, और यदि तुमने कहा भी तो वे स्वीकार नहीं करेंगे, ये मैं भली भांति जानता हूं। राधाश्री, हनुमान जब तक पांडवों के पक्ष में है तब तक उन पर विजय पाना कठिन है। दुशासन, कार्य कठिन है तो क्या हुआ? हम क्षत्रिय हैं, युद्ध करना हमारा धर्म है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। अंगराज कर्ण, तुम एक बार प्रयास करके तो देखो। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं हनुमान जी का आह्वान करके उनसे निवेदन करूंगा कि वे अर्जुन का पक्ष त्याग दें। ओम रुद्रावतार हनुमानाय नमः। 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 जय श्री राम। रुद्रावतार को कर्ण का प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो कर्ण। उठो कर्ण, ये बताओ मेरा आह्वान तुमने क्यों किया? आप तो जानते हैं बजरंगबली, जब भी कोई कष्ट अथवा संकट उत्पन्न होता है तो आपका स्मरण हो आता है। क्या महारथी कर्ण किसी संकट में फंस गए हैं? नहीं प्रभु, मैं केवल आशंका से ग्रस्त हूं। कैसी आशंका कर्ण? आज युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने जिस प्रकार का अधर्म युद्ध करके पितामह को आहत किया, यदि वो इसी प्रकार की नीति अपनाता रहा
तो कौरवों का विनाश हो जाएगा। महारथी कर्ण, जिनका विनाश पूर्व निश्चित हो उनके लिए तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? इसलिए कि मैं उनका पक्षधर हूं, संकट में साथ निभाने के लिए वचनबद्ध हूं। यह तो तुम मुझसे पहले भी कह चुके हो। आप मेरे धर्म पिता सूर्यदेव के प्रिय शिष्य हैं, इस कारण आप पर मेरा भी कुछ अधिकार बनता है। जो कर्तव्यों को नहीं समझता वो अधिकार की बात कैसे कर सकता है? यदि आपका संकेत कौरव पक्ष की ओर है बजरंगबली, तो जिन युवराज की कृपा पाकर मैं सम्मानित हुआ हूं, संकट में उनका साथ देने का वचन दिया है मैंने, क्या अपने वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य नहीं है? जिस धर्म पिता सूर्यदेव की कृपा से तुमने ये जीवन पाया है, क्या उनके अनुरोध को स्वीकार करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? निश्चय ही मेरा कर्तव्य था, परंतु जो कर्तव्य मैंने पहले स्वीकार कर लिया उनका क्या होता बजरंगबली? कर्ण, कर्ण, मैं तुम्हारी वेदना भली भांति समझ सकता हूं, परंतु तुमने गुरुदेव सूर्यदेव के अनुरोध को ना मानकर दुष्टों का साथ देने का निश्चय करके उनका घोर अपमान किया है। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरा स्मरण क्यों किया? मैंने अपने मित्र दुर्योधन के आग्रह पर उनका भय दूर करने के लिए आपका आवाहन किया है बजरंगबली। जिस प्रकार आपने मुझसे कौरवों का पक्ष त्यागने का अनुरोध किया था, उसी प्रकार आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पांडवों का पक्ष त्याग दें। कर्ण, मैं तुम्हारा एक भ्रम अवश्य दूर करना चाहता हूं। जिन पांडवों का साथ स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण दे रहे हैं, उनकी विजय तो वैसे ही सुनिश्चित है। यदि द्वारिकाधीश की सहायता पर आपको इतना विश्वास है, तो पांडवों की विजय को निश्चित करने के लिए आप उनका साथ क्यों दे रहे हैं? भोलेनाथ की आज्ञा और भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के अनुरोध से बंधा हूं, इसीलिए पांडवों की विजय तक उनका साथ मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। परंतु मैं तुमसे फिर अनुरोध करता हूं, दानवीर धर्मात्मा कर्ण, जब कौरवों की पराजय निश्चित है तो तुम पराजित होने वालों का साथ छोड़कर न्यायवान पांडवों का साथ क्यों नहीं देते? यदि तुमने कौरवों का साथ छोड़ दिया तो कौरव स्वयं ही हताश हो जाएंगे और यह युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा, असंख्य प्राणियों के प्राणों की रक्षा हो जाएगी। आपका यह आदेश मानना मेरे लिए संभव नहीं है बजरंगबली। जानता हूं, भली भांति जानता हूं कर्ण, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी पराजय निश्चित है। मैं तुम्हारा कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। जय श्री राम। ठीक है बजरंगबली, यदि आपका यही निश्चय है तो मेरा निश्चय भी सुन लीजिए। मेरे जीवित रहते मेरे मित्र दुर्योधन को कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई नहीं।
अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा जय श्री राम। आओ अंगराज कर्ण, आओ। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे पता था तुम अवश्य आओ।